नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। आज हम बात करते हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा के ऑक्सीजन प्लांट की, जहां पर सैकड़ों कोविड मरीज ऑक्सीजन का लाभ लेकर स्वास्थ्य लाभ लेकर घर पहुंचे हैं। बता दें कि ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद रहती है। हमारे चारों ओर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% और 78% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा 1% अन्य गैसें जैसे आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिस्टोन, जिनोन जैसी गैस शामिल होती है। गौरतलब है कि इन सभी गैस का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम और अलग अलग होता है। ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले हवा को जमा करके उसे ठंडा करते जाना होता है और 108 डिग्री पर जिनोन गैस लिक्विड में बदल जाएगी और फिर उसे हवा से अलग किया जा सकता है। बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट में हवा में से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और इस प्रक्रिया के लिए एयर सेपरेशन की तकनीकी का इस्तेमाल होता है, यानी कि हवा को कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद अशुद्धियां दूर करने के लिए फिल्टर किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद हवा को डिस्टिल करते हैं ताकि ऑक्सीजन को दूसरी गैसों से अलग किया जा सके। इस प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन लिक्विड में बदल जाती है। अस्पताल के स्टोर प्रभारी हरिलाल डामोर ने बताया कि प्रतिदिन 1,80,000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पाद यहां से किया जा रहा है, जो कि कोविड मरीजों को पहुंचाया जा रहा है, जबकि अस्पताल में 2.5 लाख से 3 लाख लीटर प्रतिदिन कोविड वार्ड के मरीजों को जरूरत है। इस कमी की पूर्ति अलग से 120 सिलेंडर जो रोजाना चित्तौड़गढ़ से भरवाया जा रहा है, जिस वजह से आपूर्ति हो रही है। लाइट जाने की स्थिति में डीजे सेट जनरेटर से ऑक्सीजन प्लांट को चलाने की व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने बताया कि ताऊते तूफान की वजह से अगर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तब भी यह प्लांट 12 घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई देगा, लेकिन प्लांट के आसपास गंदगी का आलम इतना है कि शुद्ध हवा को प्राप्त करने वाला ऑक्सीजन प्लांट कहीं न कहीं शुद्ध ऑक्सीजन की तलाश कर रहा है। आसपास में कीचड़, गंदगी ज्यादा होने की वजह से इस विषय में संबंधित अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन देने की सख्त जरूरत है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।